कबड्डी प्रतियोगिता में 19 वर्ष छात्र वर्ग में मालपुरा टीम रही विजयी। 66वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 19 वर्ष छात्र वर्ग के दौरान शिव शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय रानोली में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान जिले की 55 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी की टीमों के मध्य फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मालपुरा टीम 10 अंकों के साथ विजयी रही। समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रहलाद नारायण बैरवा, समाज सेवी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष भरत यादव, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, विशिष्ट अतिथि कठमाणा सरपंच गणेश चौधरी, पूर्व सरपंच रामलाल मीणा, शिव शिक्षा सदन अंग्रेजी माध्यम प्रबंध निदेशक परवेंद्र सिंह एवं आयोजनकर्ता डॉक्टर शिवजी राम यादव ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों, निर्णायकों एवं प्रतियोगिता में कार्यरत कार्मिकों को माला पहनाकर स्मृत चिन्ह प्रदान किया। साथ ही विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। समाज सेवी प्रहलाद नारायण बैरवा ने खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर टोंक जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। भामा साहब प्रहलाद नारायण बैरवा ने विजेता व उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को 500 नगद प्रदान किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी के छात्र आसाराम चौधरी को उत्कृष्ट खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिव शिक्षा समिति सचिव डॉक्टर शिवजी राम यादव ने सभी खेल शांति पूर्वक एवं निष्पक्ष आयोजन हेतु निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभी विजेता उप विजेता खिलाड़ियों, व्यवस्था हेतु नियुक्त कार्मिकों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभी खिलाड़ियों को पूर्ण लगन मेहनत अनुशासन के साथ राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विजयी होने की आशीष व शुभकामनाएँ प्रदान की। इस दौरान खिलाड़ियों को खाना खिलाने वाले भामा साहब जगदीश प्रसाद टेलर एवं शिवजी राम माली पीटीआई को माला एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मालपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, टीम प्रभारी, शिव शिक्षा सदन रानोली के सभी स्टाफ, साथी एवं अन्य दर्शकगण उपस्थित रहे। टोंक से हमारी संवाददाता सुभाष सौदा की खास रिपोर्ट।